नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। दिल्ली हिंसा में किसी ने जिंदगी भर की कमाई खोई, किसी ने बेटा खोया, किसी ने अपने पिता। उपद्रवियों ने सालों तक खून पसीने से सींच कर खड़े किए गए दुकान, मकान और सामान को माचिस की एक तीली से भस्म कर दिया। बेसहारा, मजबूर और अनिश्चितता के भंवर में खड़े इस हिंसा के शिकार के लोगों के लिए अब दिल्ली सरकार मदद लेकर आई है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने देश के प्रमुख अखबारों में एक फॉर्म प्रकाशित किया है। इस फॉर्म को भरकर केजरीवाल सरकार को मदद का दावा किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के ऐलान के मुताबिक व्यस्त मृतकों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसमें से 1 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे और 9 लाख रुपए की राशि कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दी जाएगी। मृतक नाबालिग को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। अगर इस हिंसा में किसी को चोट पहुंची हो तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर चोट से पीड़ित के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। मामूली चोट के लिए 20,000 रुपए, अनाज के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की गई है। जानवर की क्षति के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साधारण रिक्शा के लिए 25,000 रुपए और ई रिक्शा के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये मुआवजा कैसे मिलेगा। हिंसा में अगर घर को भारी क्षति हुई है तो 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मामूली क्षति के लिए 15,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। सहायता राशि पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार और वोटर पहचान पत्र, वो भी यदि मौजूद हो तो, इसका ब्यौरा मांगा गया है। इसके अलावा फॉर्म में व्यवसाय, मकान, दुकान को हुए नुकसान का ब्यौरा देने को कहा गया है। फॉर्म में पीड़ित से बैंक खाते का विवरण भी मांगा गया है। इस फॉर्म को करावन नगर, यमुना विहार, सीलमपुर और शाहदरा SDM के ऑफिस में जमा करने को कहा गया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पूरी तरह अस्त व्यस्त पड़ी है, जिसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।